तो मुझे सूचना प्राप्त हुई है उसमें फूड पॉइजनिंग की एक घटना घटित हुई है। बच्चों की कितनी संख्या है, घटना क्या है, इन सब की जानकारी के लिए मैंने सिटी मजिस्ट्रेट और सर्कल ऑफिसर उनको भेजा है। अभिहित अधिकारी जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं उनको भेजा है जिससे कि सैंपल लें और उसकी जांच के लिए भेजें। मुझे सूचना मिली है कि 25-30 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, लेकिन उसको कंफर्म करना है, बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति। बच्चों की स्थिति जानने के लिए मैंने सीएमओ से कहा है, सीएमओ से कहा है कि विभिन्न अस्पतालों में बातचीत करके देखें कि क्या मैक्सिमम जो है हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाए। एक बात ज़रूर है कि सीनियर ऑफिसर्स जो स्कूल में गए थे तो स्कूल प्रशासन ने उनको एक्सेस नहीं दी, और इस बात का भी कॉग्निशंस हमने लिया है और अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ हम इस पर भी लेंगे।